Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Welcome to the learning session through Virtual Training Center of Municipal Corporation of Greater Mumbai. Dear students, from this session, we'll start preparation for scholarship examination. So, let's begin our session. This session is for Standard 5th and today we'll see scholarship exam syllabus for English subject. A scholarship exam is not like a regular school-based test. It is a specially designed piece of assessment to determine a student's level of ability and intellectual prowess. On the basis of guidelines provided by Maharashtra State Council of Examination, you can prepare for such exams and give yourself the best chance for success. Let's try to understand scholarship exam pattern. There are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of two subjects, first language and maths. In first language, number of questions will be 25 and marks 50. In maths, number of questions 50 and marks 100. So, total number of questions 75 and total number of marks is 150 and you will get 1 hour 30 minutes to solve the paper. Now, paper 2, it consists of two subjects, third language, that is English. Here you will get 25 questions and marks 50. Second is intelligence test. Number of questions 50 of 100 marks. So the total number of questions 75 and total number of marks is 150. To solve the paper, you will get 1 hour 30 minutes. और आज के सेशन में हम थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश के सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे. तो आप तैयार हैं इसके लिए? आइए आगे बढ़ते हैं. So let's see the first unit. Unit number 1 is letters of alphabet. A letter is a symbol used for writing a certain sound. The set of 26 letters used to write English is called the alphabet. और अंग्रेजी के ये letters आप छोटी जमात में पढ़ चुके हैं. आइए देखते हैं इस unit में कौन सी sub units हैं. In unit number 1, that is in letters of alphabet, subunit 1 is associating the name of a letter with its sound. In English, letters have different sounds. For example, in word good, the sound of G and that of in ginger is different. तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए.
और जरूरी है कि यू शुड लर्न फर्स्ट प्रॉपर साउंड ऑफ ईच लेटर। यहां आपको सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहचानने के ताल्लुक से भी सवालात होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इसके लिए आपको लेटर्स के साउंड्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है। इन यूनिट नंबर 1, दैट इज लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, सब यूनिट 1.2 इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट। यूजिंग द गिवन अल्फाबेट वी शुड मेक मीनिंगफुल वर्ड, और जो नया लफ्ज हम बनाएंगे दैट शुड बी मीनिंगफुल। द वर्ड शुड फुलफिल द गिवन कंडीशंस। समटाइम्स द इनकम्प्लीट वर्ड इज गिवन विथ मिसिंग लेटर्स। द स्टूडेंट्स शुड फिल द करेक्ट लेटर्स सो दैट द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। तो ये थे यूनिट नंबर 1, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। यूनिट नंबर 2 इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी रिफर्स टू द वर्ड्स वी नो टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हम उर्दू में कहते हैं जखीरे अल्फाज, जिसकी मदद से हम किसी भी जबान में रवानी से बातचीत कर सकते हैं, अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो आइए देखते हैं इस यूनिट में कौन से सब यूनिट्स हैं। एक बात आपको बता दें कि आपके सिलेबस में वोकैबुलरी सबसे तवील यूनिट है। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 2 वोकैबुलरी में कौन से सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज राइटिंग फमिलियर और रिलेटेड वर्ड्स विद द गिवन क्लूज और पिक्चर्स। हियर यू शुड राइट फमिलियर वर्ड्स विद द गिवन क्लूज। तस्वीर की शक्ल में कुछ क्लूज होंगे और आपको उनसे रिलेटेड अल्फाज को पहचानना है, मगर इसके लिए जरूरी है कि यू शुड नो द वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1st to 5th। यू शुड लर्न थरली द टेक्स्ट बुक्स एंड यू शुड नो मैक्सिमम वर्ड्स रिलेटेड टू योर सिलेबस। सेकेंड सब यूनिट इज कोरिलेटिंग वर्ड्स विथ पिक्चर्स। सो एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पिक्चर्स होंगे, इनसे रिलेटेड एक्शन वर्ड्स आपको पहचानने हैं। थर्ड सब यूनिट इज राइमिंग वर्ड्स। द वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सो टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस यू शुड लर्न द राइमिंग वर्ड्स। यू शुड रीड मोर एंड मोर so that you can use them in your daily life. Fourth subunit is writing opposite words. The words indicating opposite characters are opposite words. Mutazad alfaz aap Urdu mein bhi padhte hain, bahut sare opposite words angrezi ke bhi aapko aate hain. So opposite words are useful to enrich your vocabulary. And what you have to do, you have to learn from your textbook of standard 1st to 5th. Subunit number 5 is writing word register. This is very interesting. The range of vocabulary, grammar used by speakers in particular social circumstances and context. For example, if you are talking about hospital, you will use terms like doctor, patient, nurse, medicine, injection, health, etc.
And if you are talking about school, you will use terms like teachers, students, library, books, exams, and so on. So this is subunit number 5, writing word register. In that you have to select the proper word related to the given word register. In unit number 2, vocabulary, 6th subunit is finding small words from the bigger ones. This activity is useful for enrichment of your vocabulary. A word having more number of words is given to you. You will be able to make small words using these letters from the given bigger words. 7th is using or writing contracted forms. Contracted means to contract means to make smaller or tighter. Some words can be written in contracted forms. Two words can be combined in one word. For example, did not. Contracted form is didn't. Are not. Contracted form is aren't. So, इससे मुतालिक सवाल आते होंगे. 8th subunit is dictionary skills. अब किसी लफ्ज का मीनिंग अगर आपको पता करना है, तो हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं और डिक्शनरी में तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं. उनमें अपना मतलूबा लफ्ज और उसका मतलब ढूंढना ये कैसे आसान हो, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डिक्शनरी स्किल हो. एक्वायरिंग डिक्शनरी स्किल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द वर्ड एज फास्ट एज यू कैन. इन यूनिट नंबर 2 वोकैबुलरी, सब यूनिट नंबर 9 इज पार्ट्स ऑफ बॉडी. दिस एक्टिविटी डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ नेमिंग बॉडी पार्ट्स एंड देयर यूजेस. So questions based होंगे names of different parts of body, pictures भी होंगी यहाँ पर, and you have to identify the correct name. Subunit number 10 is names of birds and animals, their living places and sound. Different types of birds, animals are there in nature. Everyone has different features. Their living places and sounds are different. और इन सब के अंग्रेजी में नाम है. So आपको पता होना चाहिए birds and animals के नाम, वो कहाँ रहते हैं और उनके sounds कौन से हैं. Unit number 2 में subunit number 11 is comparison. Compare करना, मुकाबला करना, मवाजना करना. और यहां पर to compare the characteristics of a thing or a person with another thing. जैसे as sweet as honey, या फिर as red as blood. तो इस तरह आपको proper word select करना है और सही जवाब पहचानना है. In unit number 2 vocabulary, sub unit number 12 is homophones. Homophones किसे कहते हैं? A word pronounced like another word or sounds like another word with a different meaning and spelling. So homophones par mushtamil sawalat honge. You have to choose the correct homophones. Unit number 2 mein last subunit hai names of the colors, things, shapes, vegetables, fruits and games. So ye to aap bilkul choti jamaat se padhte chale aaye hain. Colors ke naamon se aap waqif hain,
अंग्रेजी में डिफरेंट शेप्स को क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ गेम्स के अंग्रेजी नाम क्या हैं, तो इन पर मुश्तमिल सवालात होंगे। तो आपने देखा कि ये जो यूनिट है वोकैबुलरी, इसका मकसद है कि आपका जखीरे अल्फाज वसी हो। द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू एनकरेज एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, ताकि आप गुफ्तगू के दौरान कॉन्वर्जेशन में ज्यादा से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये थी यूनिट नंबर 2 वोकैबुलरी। आइए अब देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज पंक्चुएशन मार्क्स। दीगर जबानों की तरह अंग्रेजी में भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स कौन से हैं? अंग्रेजी में कैपिटलाइजेशन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो इनका इस्तेमाल कब करना है ये आपके लिए जानना जरूरी है। यूनिट नंबर 4 इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यूनिट नंबर 4 न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन डील्स विद द न्यूमेरिकल वर्ड्स रिगार्डिंग कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ एंड ईयर। सो इन यूनिट नंबर 4 दैट इज इन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सब यूनिट इज डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। ये आप पढ़ चुके हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, उनके नाम क्या है अंग्रेजी में। सेकेंड सब यूनिट इज कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स। नंबर्स डिनोटिंग क्वांटिटी आर कॉल्ड कार्डिनल्स and numbers defining position in the series are known as ordinals. So, इन पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। Third subunit is showing the directions, subdirections, map reading. And the last subunit is telling the time. तो ये है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। बहुत सारी बातें इसमें आप जानते हैं और कुछ हम इस साल जानेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 इज क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये ख्याल आपके जहन में आ सकता है कि क्रिएटिव थिंकिंग का लैंग्वेज से क्या ताल्लुक? क्रिएटिविटी तो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट में होती है, मगर ऐसा नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 5 क्रिएटिव थिंकिंग की सब यूनिट्स कौन सी हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट्स, मोटोज एंड मैसेजेस। एडवर्टाइजमेंट्स यानी इश्तिहारात आपने टेलीविजन पर देखे होंगे, अखबारात में देखे होंगे। सो दीज आर शॉर्ट मैसेजेस विद कीवर्ड्स, पिक्चर्स और डायग्राम्स। एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स, मुख्तसर अल्फाज में मुकम्मल पैगाम देने की कोशिश होती है।
और अल्फाज का इस्तेमाल इस खूबी से किया जाता है कि ये पैगाम दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो समाजी बेदारी पैदा करने के लिए भी होती हैं, एंड दे रीच मिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम। लिहाजा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सकें और उसे कबूल करें, ये होती है एडवर्टाइजमेंट की खूबी। और ये मुमकिन हो पाता है क्रिएटिव थिंकिंग से। सेकेंड सब यूनिट है सॉल्विंग पजल्स विथ द गिवन क्लूज। लफ्जी खेल आप खेलते रहे हैं, पजल सॉल्व करने के अपने फायदे हैं। क्या होता है इससे? सॉल्विंग पजल्स विल मेक योर वोकैबुलरी वेरी रिच एंड दैट टू विद प्लेवे मेथड। बट उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। थर्ड सब यूनिट है सॉल्विंग रिडल्स विद द गिवन क्लूज। रिडल्स पहेलियां, कुछ क्लूज दिए जाते हैं और उनकी मदद से हम उस चीज को पहचानते हैं जिसका जिक्र क्लूज के जरिए किया गया है। सो रिडल्स कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड वोकैबुलरी गेन्ड। क्लूज हेल्प टू सॉल्व रिडल्स बाय प्लेवे मेथड। तो ये थी यूनिट नंबर 5 क्रिएटिव थिंकिंग। और आई एंड नाउ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 इज स्टॉक एक्सप्रेशंस। वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रीटिंग्स इन डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। मुख्तलिफ सिचुएशन में हम मुख्तलिफ अल्फाज की मदद से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सप्रेशंस। सो लेट्स सी व्हाट आर द सब यूनिट्स। नाउ लेट्स सी सब यूनिट्स ऑफ यूनिट नंबर 6 स्टॉक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग्स। On different occasions, we greet our family members, our friends, our relatives. So, सही मौके पर सही greetings देना ये भी एक fun है। आप good morning की जगह good afternoon नहीं कह सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि किस occasion पर आप कैसे greet करें। Second है seeking permission. Polite questions are used for seeking permission. For example, may I come in? Can we play? The third subunit is making request. Making a request is a humble gesture. Mostly word please is used to make a request. For example, please help me, or will you please come with me? So this is making request. Fourth is correlation between instructions, expressions and pictures. Observation of the picture helps to correlate with words, actions, emotions and situations. So, आपको सवालात भी कुछ इस किस्म के होंगे, जैसे guess the correct feeling from the given face or emoticon, या हो सकता है दो लोगों के बीच कॉन्वर्जेशन की एक तस्वीर दी जाए और आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, लुक एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन द टू पर्सन्स इन द गिवन पिक्चर। सो ये है स्टॉक एक्सप्रेशंस। यूनिट नंबर 7 इज मिसेलेनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसेलेनियस? It means
a collection or group. Similar words हैं miscellaneous के लिए mixed, different, various, assorted. तो आइए देखते हैं miscellaneous में किन चीजों को शामिल किया गया है. Articles, prepositions, adjectives, adverbs, singular and plural, and sentence formation. तो ये सारी चीजें यूनिट नंबर 7 मिसेलेनियस में हम जानेंगे. एंड द लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 8 दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट यू डू, यू रीड अ पैराग्राफ and try to answer the questions given below. जिससे पता चलता है कि वो पैराग्राफ आपकी समझ में आया या नहीं. इस ताल्लुक से प्रोज दिया जाएगा अप टू 30 वर्ड्स और उस पर मुश्तमिल सवालात होंगे. क्वेश्चंस विल बी गिवन ऑन दैट प्रोज एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो दिस इज comprehension. Just now we saw English scholarship exam syllabus in detail. Now let's have a quick recap. Unit number 1, letters of alphabet. Unit number 2, vocabulary. Unit number 3, punctuation marks. Unit number 4, numerical information. Unit number 5, creative thinking. Unit number 6, stock expressions. Unit number 7, miscellaneous. And the last one is comprehension. So this is the syllabus for your scholarship exam. We all know hard work is key of success. कामयाबी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और हमें उम्मीद है कि आप मेहनत और लगन से इंशाल्लाह जरूर कामयाबी हासिल करेंगे.